इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं बीजापुर शहर जहां पे आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। बहुत बड़ी क्षति हमारे जवानों के लिए। नक्सलियों ने आईईडी भी प्लांट किया था जिसकी चपेट में हमारे सुरक्षा बल हमारे जाबाज आए हैं और चिन्नागेलूर के डिमाइनिंग के लिए निकले थे जवान। घायल जवानों को जिला मुख्यालय में लाया जा रहा है। बड़ी जानकारी, दुखद खबर निकलकर सामने आई है। चिन्नागेलूर से यहाँ पे निकले थे हमारे जवान पेट्रोलिंग के लिए, गश्त के लिए, और इस दौरान यहाँ पर देखिए आईईडी की चपेट में आने से हमारे 5 जवान घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। घायल जवानों को जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है उपचार के लिए। नक्सलियों की तरफ से ये नाकाम कोशिश की जाती है, जगह जगह आईईडी को प्लांट किया जाता है ताकि जवानों को क्षति पहुंचाए। और यहाँ पर देखिए हमारे इस घटना में 5 जवान जख्मी हुए हैं। नक्सलियों के द्वारा ये प्लांट लगाया गया था, आईईडी प्लांट लगाया गया था, और इस दौरान हमारे जवान जख्मी हुए हैं, 5 जवान। तो देखिए कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट है, उनकी कायराना ये हरकत है, कायराना करतूत है। हालांकि हमारा सुरक्षा बल नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, ये बीजापुर से जो खबर निकलकर सामने आई है आईडी की चपेट में आने से हमारे 5 जवान घायल हुए हैं, कब की पूरी घटना है और कहां पे हमारे जवानों का उपचार चल रहा है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज अल सुबह टीम निकली हुई थी, वो चपेट में आई है और जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। ये चिन्नागेलूर केरपू कैंप है बीजापुर में, वहीं पर डिमाइनिंग ड्यूटी के ऊपर निकले थे जवान और सभी जवानों को इलाज के लिए अभी फिलहाल जिला मुख्यालय, जो बीजापुर का अस्पताल है जिला मुख्यालय का, वहां लाया जा रहा है। वहां पर उपचार के बाद अगर आवश्यकता लगेगी तो फिर उन्हें हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी उसके मुताबिक जिला अस्पताल बीजापुर ही उनको लाया जा रहा है और वहीं पर इलाज के बाद अगर जरूरत लगी तब आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी स्थिति उनकी ठीक है, मतलब अभी खतरे से बाहर है, लेकिन जब तक पूरे जवान यहाँ पहुंच नहीं जाते और एक्चुअल स्थिति नहीं पता चलेगी तब तक कहना कुछ भी अभी स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है। जी नीलेश, कब ये डॉक्टर्स की तरफ से हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था? देखिए, डॉक्टर्स के पास अभी लाया जा रहा है, डॉक्टर की ओर से अभी हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया गया। अभी आज सुबह की घटना है और घटना स्थल से जो टीम के पास मेडिकेटेड जो सामान होते हैं जो कि फर्स्ट एड के तौर पर यूज किया जाता है उसका उपयोग करके ही अभी उनको जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है वहाँ लाया जा रहा है। वहाँ के बाद फिर उसको आगे अगर लगेगी स्थिति तो फिर आगे रेफर किया जाएगा, नहीं तो यहीं पर इलाज किया जाएगा। तो चलिए, राहत की बात है कि हमारे जवान जो है खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना के बाद जाहिर सी बात है सुरक्षा बल एक्टिव हो गए होंगे। कहाँ पे ये आईडी की चपेट में आए थे, कौन सी जगह और वहां पे क्या अब सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? चिन्नागेलूर केरपू कैंप से लगा हुआ इलाका है जहां पर ब्लास्ट हुआ था और अभी जब घटना हुई उसके बाद और बैकअप फोर्स भी वहां भेज दी गई और जो जवान जो घायल हुए हैं उनकी रिकवरी भी कर ली गई है, उनको वापस फर्स्ट एड के बाद जिला मुख्यालय भेजा जा रहा है। अभी स्थिति सभी की स्थिति समान है और उस इलाके में जो फोर्स की बैकअप टीम है वो सर्चिंग भी कर रही है और अगर आसपास कोई माओवादी गतिविधियां होंगी या फिर कोई ऐसा संदिग्ध मिलेगा तो उनसे पूछताछ और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, अभी सर्चिंग जारी है। नीलेश, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है वो जगह? देखिए, ये तो पूरा इलाका ही जंगली इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है आसपास, लेकिन उन इलाकों में थोड़े कस्बे नुमा गांव होते हैं, तो कुछ कुछ घरों का एक कस्बा होता है वैसा इलाका है और वहां पर बहुत ज्यादा रिहायशी क्षेत्र नहीं है, लेकिन सड़कें बनी हुई हैं और उन इलाकों में सड़कों पर आईडी कई जगह पर नक्सली ऐसी जगहों पर बिछा कर रखते हैं जबकि जवान सर्चिंग पे निकले तो उनको निशाना बनाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देखिए, इस आईडी ब्लास्ट में हमारे 5 जवान जो घायल हुए थे, राहत की बात है कि उनकी स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है। फिलहाल उन्हें जिला मुख्यालय लाया जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर्स उनका उपचार करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भी रेफर किया जा सकता है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक जवान हमारे खतरे से बाहर है।